प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे, आज हम पढ़ेंगे पाठ सात, आओ खेले खेल। तो बच्चों, जो खेल है आपको पता है कि अगर हम खेलते हैं तो हम कितना मतलब खेल में मगन हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि खेल खेलने से हमें क्या 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 परिवर्तन होते हैं और हम क्या क्या चीजों को सीखते हैं। तो बच्चों, खेलते समय हमें समयबद्धता होती है, हम समय का पालन करते हैं और हमें धैर्य, अनुशासन और समूह में कार्य करना भी हम सीखते हैं। धैर्य, अनुशासन की अगर हम हर एक चीज का धैर्य रखेंगे और अनुशासन करते हैं। तो बच्चों, इसमें दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं वो आपस में खेल रहे हैं और उन्होंने कई तरह के खेल खेले, जिनमें से रस्सी कूदना ये भी खेला था, और सतोलिया। सतोलिया क्या होता है बच्चों, की जो पत्थर होते हैं, वृत्ताकार गोल पत्थर होते हैं, जिन्हें गोल गोल रखा जाता है, एक के ऊपर एक करके साथ रखे जाते हैं, और उसके दो दो दल बनाए जाते हैं, पहला दल और दूसरा दल। पहले दल वाला क्या है, उस जो सतोलिया होते हैं उनके पत्थरों को रखता है, और जो दूसरा है वो उसको गेंद से मारता है। जब वो गेंद से पत्थर गिर जाते हैं तो पहले उनको वापस जोड़ने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से बच्चों, जब वो जोड़ लेते हैं तो अगर वो नहीं जोड़ पाते हैं तो हार जाते हैं, और जोड़ लेते हैं तो वो जीत जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने सतोलिया खेला। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक नया खेल खेला, कोड़े वाला। तो कोड़े क्या होता है बच्चा बच्चों, एक कपड़े को रोल करके बना दिया जाता है, और एक सर्कल पे सब बच्चे बैठ जाते हैं, और एक जना गोल घूमते हुए कहता है कि कोड़ा देखे मार खाई। इस तरीके से वो बोलता है और गोल गोल घूमता हुआ किसी एक के पास गिरा देता है। अगर वो नहीं देखता है तो वो वापस घूमकर आकर उसको उस रुमाल के कपड़े जो रुमाल का जो कोड़ा बनाता है उसे हल्के हल्के हाथ से उसको मारता है, और वो उठकर उसको पकड़ने लगते हैं। इस तरीके से बच्चों ये खेल होता है। तो हम देखेंगे इस खेल में हमें ये दिखाया गया है। अगर और बच्चों, अगर हम नियमित रूप से खेलेंगे, नियमित रूप से खेलने से क्या होता है, हमारा जो मन है ताजगी से भर जाता है, और हमारा मन ताजगी से पूर्ण भर जाता है, और हमें समय की पाबंदी भी सीखते हैं और हम स्वस्थ भी रहते हैं। तो चलिए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। नेहा ने प्रिया को आवाज लगाई। नेहा ने किसको आवाज लगाई? प्रिया को। प्रिया समझ गई कि खेलने का समय हो गया है। माँ से कहकर वे दौड़ी और उसने उसको अपनी नई रस्सी दिखाई। माँ को कहकर वो क्या करती है, दौड़ जाती है और अपनी नई रस्सी को दिखाती है। सामने से अमन, रूपा, अरुण, अंजू, सुहेल, अजीम सभी आते हुए दिखाई देते हैं। सभी क्या थे? ये सभी प्रिया और नेहा के मित्र थे, दोस्त थे। एक एक कर सब बच्चे पार्क में इकट्ठे हो गए। कोई गेंद लाया, कोई रस्सी, तो कोई रिंग। कोई गेंद लाता है, कोई रस्सी लाता है, और कोई रिंग लाता है। सोनू नहीं आया था, लेकिन उनमें क्या कौन नहीं आया था, उनका जो एक दोस्त सोनू था वो नहीं आया था। अजीम बोला, मैं सोनू को बुला लाता हूँ, और वे दौड़ता हुआ सोनू के घर गया और पुकारा, सोनू ओ सोनू, सब आ गए हैं, जल्दी सोने चलो। सोनू ने कहा, आज मेरे सोने नहीं खेलने आएगा बच्चों, ये जल्दी खेलने चलो। सोनू सोनू सब आ गए हैं, जल्दी खेलने चलो। तो सोनू ने कहा, आज मेरे चचेरे भाई बहन आए हैं, वे भी हमारे साथ खेलेंगे। अजीम बोला, अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। क्या कहा कि अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। देखिए सब इकट्ठे हो गए, और सोनू बोला, कोई ऐसा खेल खेलें कि सब साथ खेल सके। कि आओ हम ऐसा खेल खेलते हैं जिसे सब साथ में खेल सके। सब सोचने लगे कि आंख मिचोली, देखिए खेल कितने तरह के होते हैं, आंख मिचोली, हाथापोली या सतोलिया। तो सतोलिया क्या है बच्चों, देखो इस तरीके का, भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के गोल सात पत्थर रखे जाते हैं, और जो होते हैं दो पारी में जो खिलाड़ी होते हैं वो बंटे जाते हैं और इस सतोलिया को गेंद से मारते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये रस्सी कूदने का खेल खेलने लगे। वो क्या करने लगे, रस्सी कूदने का सबसे पहले खेल खेलने लगे। नेहा और प्रिया ने रस्सी के दोनों छोरे पकड़े। रस्सी के जो दोनों किनारे थे उसे नेहा और प्रिया ने पकड़ा और कुछ दूरी पर खड़े होकर उसे घुमाने लगी, और दोनों थोड़ा सा गेप रख के उस रस्सी को गोल गोल घुमाने लगी। और बीच में अमन कूदने लगा और उसका पांव रस्सी से छू गया। जैसे ही अमन बीच में कूदा तो रस्सी का जो पांव था वो अमन को छू गया था। अब नेहा की जगह जाकर रस्सी घुमाने लगा। अब उसने क्या किया, अब उसने नेहा की जगह रस्सी को घुमाने लगा और नेहा कूदने लगी। इस तरह बारी बारी से प्रिया और अजीम ने भी रस्सी कूदी।
देखिए ये नेहा और प्रिया रस्सी कर रही है और अजीम है जो इस रस्सी के ऊपर कूद रहा है। अब आगे हम देखेंगे, फिर अजीम, नेहा और सुहेल और उसके मित्रों ने सतोलिया खेलने की सोची। क्या खेलने की सोची? सतोलिया। अजीम घर से 7 वर्ताकार पत्थर लाया। अजीम क्या था? घर से 7 वर्ताकार पत्थर को लेकर आया और एक के ऊपर एक जमा कर बीच में रखे। अभी मैंने आपको बच्चों पिक्चर में तस्वीर में दिखाया था कि देखिए ये जो 7 पत्थर है जो लेकर आए थे उनको एक के ऊपर एक रख दिया गया है। गिनने वाला दल वापस सतोलिया जमाता। गेंद लग जाने पर वह खिलाड़ी आउट समझा जाता। जो पहले दल के खिलाड़ी थे वो गेंद मारते और सतोलिया गिराने वाला दल वापस सतोलिया जमाता। तो बच्चों इस तरीके से सतोलिया का गेम जो है खेला जाता है। खेल शुरू हुआ। नेहा पहले दल में थी। नेहा किसमें थी? पहले वाले दल में थी। जो ही वह पत्थर जमाने आई अजीम ने उसे गेंद मारकर आउट कर दिया। अजीम ने क्या किया? गेंद मारकर उसको आउट कर दिया। फिर दूसरे दल के ने अजीम ने सतोलिया गिराया। अमन गेंद झपटने लगा। अमन क्या था? गेंद को झपटने लगा लेकिन गेंद चली गई। गेंद लेकर कोई आता तब तक अजीम ने क्या किया? अजीम ने सतोलिया को जमा लिया, मतलब कि एक के ऊपर एक पत्थर को रख दिया। खुशी के मारे सब तालियां बजाने लगे और थोड़ी देर बाद खेलने के बाद सब थककर बैठ गए। और क्या हुआ? सब थककर बैठ गए। नेहा, जूली और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूदकर थक गई थी। जो जूली थी, नेहा थी और उसकी जो अन्य सहेलियां थी वो भी रस्सी कूदकर क्या हो गई थी? थक गई थी और खेलने से मन भी नहीं भरा। लेकिन जो उनका मन था वो खेलने से भी नहीं भरा। सबने कहा अब हम एक साथ खेलते हैं। अरुण ने कहा कोड़े वाला खेल खेलें। मैंने भी आपको बताया था कोड़े वाला खेल क्या होता है। हाँ, कहते सभी उठ खड़े हुए। सबने एक साथ मिलकर क्या कर दिया? गोल घेरा बना लिया। देखिए बच्चों इस तस्वीर में दिखाया गया है कि सबने क्या किया है? सबने मिलकर एक साथ गोल घेरे को बना लिया है। गोल घेरा बना लिया है। जो गोल घेरा था बना लिया है। सबने एक साथ मिलकर गोल घेरा बना लिया और बैठ गए। सुहेल ने रुमाल का कोड़ा बनाया। देखिए जो रुमाल होता है, रुमाल को गोल राउंड करके उसका एक कोड़ा बनाया गया। जी देखिए इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। रुमाल का जो कोड़ा है वो बनाया गया है। वह कोड़ा छिपाकर ये कहते हुए घेरे के बाहर घूमने लगा। और कोड़े को छिपाकर क्या कहते हुए घेरे के बाहर घूमने लगा? कोड़ा है संभाल संभाल भाई, पीछे देख मार खाई। ये जो कोड़ा है इसको पीछे से संभाल ले, अगर नहीं देखेगा तो मार खाएगा। सभी बच्चे अपने हाथ पीछे करके कोड़ा संभालने लगे। जो सभी बच्चे थे वो अपने हाथ को पीछे करके देखने लगे कि हमारे पीछे तो कोड़ा नहीं गिरा हुआ है। तो सुहेल ने चुपके से कोड़ा कहाँ रख दिया था? अंजू के पीछे डाल दिया था। जो सुहेल था उसने चुपके से कोड़ा अंजू के पीछे डाल दिया था। अंजू को पता ही नहीं लगा। अंजू को क्या था? अंजू को ये बात पता ही नहीं चली। और सुहेल घेरे के चक्कर लगाकर आया। जब सुहेल था उसने वापस इस घेरे का चक्कर लगाया लेकिन अंजू को तो पता ही नहीं था कि जो कोड़ा है उसके पीछे रखा हुआ है। और अंजू के पीछे कोड़ा उठाकर हल्के हल्के उसे मारने लगा। क्या करने लगा? कोड़े को उठाकर हल्का हल्का उसे हाथ से मारने लगा। अंजू घेरे के चारों तरफ दौड़ने लगी। अंजू क्या थी? वो घेरे के चारों तरफ दौड़ने लगी। फिर अपनी जगह आकर बैठ गई और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। सबको खूब मजा आया और जो सब लोग थे उनको खूब मजा आया, मतलब कि बहुत खुश हुए वो। और देर तक खेल चलता रहा। जो खेल था वो लंबे समय तक चलता रहा। कल शाम को फिर आने की बात कहकर सब घेरे की तरफ दौड़ पड़े, घर की तरफ, सॉरी, कल आने की बात कहकर सब घरों की तरफ दौड़ पड़े। तो बच्चों जब खेल का समय अंधेरा होने लग गया तो सबने कहा कि चलो हम कल वापस इसी खेल को खेलेंगे। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो सतोलिया, देखिए ये रस्सी कूदने का खेल है और ये सतोलिया है जिसमें 7 पत्थर रखे जाते हैं और एक दल उस पत्थर को उसको जमाता है और दूसरा दल उसको तोड़ता है। और अगर जो जमाने वाला दल उसको वापस जमा देता है तो वो जीत जाता है, नहीं तो वो आउट हो जाता है। और दूसरा है गेम रस्सी कूदने वाला जिसमें रस्सी कूदते हैं और रस्सी में अगर पैर लग जाता है तो वो आउट हो जाता है और उसी जगह दूसरा आके रस्सी को कूदता है। और तीसरा था कोड़े वाला खेल जिसमें एक खूब सारे बच्चे घेरा बना लेते हैं और
रुमाल का एक राउंड बना के, रुमाल का रोल बना के एक कोड़ा बना लेते हैं और उसके चारों तरफ घूमते हैं, साथ में बोलते हैं कोड़ा है संभाल भाई, नहीं देखे तो मार खाई। और अगर उस कोड़े को नहीं देखते हैं तो क्या होता है, वापस वो जो होता है वो वापस अपने चक्कर लगाकर आता है और जिसके पीछे कूड़ा रखा हुआ होता है उसको हल्के हल्के हाथ से मारता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने खेल खेलते पाठ के खेल के बारे में पढ़ा कि खेल हमें सपुर्ती और चुस्ती देता है, खेल हमें ताजगी भी देता है और समय की पाबंदी भी देता है। हमें अच्छी तरह से खेलना चाहिए और उस समय के अनुसार जो समय है समय का पालन भी करना चाहिए। तो बच्चों ये जो पाठ था ये पाठ आपको पढ़ना है, हम इसके कल प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करेंगे। धन्यवाद।